गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मनोज राय हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 6 दिसंबर को तय की अगली तारीख। मुख्तार समेत कुल 10 लोग हैं मामले में आरोपी। खबर गाजीपुर से है, जहां उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में MPMLA कोर्ट में आज सुनवाई हुई। गाजीपुर में वर्ष 2001 में उसरी चट्टी कांड हुआ था। इस मामले में जनवरी 2023 में मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस दर्ज कराया था। मनोज राय की हत्या के मामले में मुख्तार समेत कुल 10 लोग आरोपी हैं। मामला MIAMLA कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में आरोपी सरफराज उर्फ मुन्नी ने कोर्ट में बरी करने का प्रार्थना पत्र दिया था। सरफराज के प्रार्थना पत्र पर आज कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में 6 दिसंबर को अगली तारीख तय की है। सन 2001 में मनोज राय की हत्या होने के संदर्भ में उसके पिता शैलेंद्र कुमार राय ने थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद में अपराध संख्या 23/2023 पंजीकृत कराया था, जिसके संदर्भ में विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित कुल 10 लोगों का नाम प्रकाश में आया। उसी मामले में अभियुक्त सरफराज उर्फ मुन्नी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत आरोप से बरी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनकर माननीय न्यायालय MPMLA कोर्ट श्री अरविंद मिश्रा साहब ने वास्ते आदेश 6/12/2023 नियत कर दिया है। वकील साहब, आज MPMLA कोर्ट में मनोज राय को लेकर मामले में जो है सुनवाई पे क्या हुआ? देखिए, आज जो है मनोज राय के पिता जो है शैलेंद्र कुमार राय द्वारा वो 20 जनवरी 2023 में जो है एक FIR दर्ज कराया गया था अहमदाबाद थाने में। तो उस FIR में जो है 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कि जो है शाहबुद्दीन और वो लोग कमाल की मृत्यु हो गई, शाहबुद्दीन और अताउर रहमान ये लोग मतलब फरार घोषित किए गए, बाकी लोगों की चार्जशीट आ गई है। तो उसमें जो है सरफराज उर्फ मुन्नी जो अभियुक्त है उनकी तरफ से मैंने एक धारा 227 CRPC के तहत जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया था, जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MPMLA कोर्ट में आज सुनवाई थी। और उसमें जो है आज बहस पूरी की गई है डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर। यह घटना जो है 15 जुलाई 2001 की है और FIR हुआ है 2023 में जनवरी में। 23 साल बाद उनके पिता ने, मनोज कुमार राय के पिता ने FIR दर्ज करवाया है। और ये 15 जुलाई 2001 को जो एक FIR उसी घटना संबंधित जो है हुआ था, जिसमें उसरी चट्टी पर घटना घटी थी और मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा है उस केस में। यहाँ से मुकदमा ट्रांसफर हो गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से और वो लखनऊ सेशन कोर्ट में चल रहा है, उसमें गवाही भी चल रही है। और उसी मुकदमे के कागजात को पत्रावली से निकाल करके 51/2001 जो मुख्तार अंसारी वादी है उस केस से, पत्रावली से कागजात निकाल करके इस केस में जो मनोज राय के पिता ने जो FIR दर्ज करवाया है, इसमें पुलिस ने पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है वो कलेक्ट करके उसमें से कापी निकाल करके पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट जो भी है सब निकाल कर इसमें दाखिल किया गया है। 23/23 में जो जनवरी 2023 में मनोज कुमार राय के पिता जो बक्सर के रहने वाले हैं बिहार के, और उन्होंने 23 साल तक कहीं भी पुलिस को सूचना नहीं दिया कि मेरे लड़के की मृत्यु हो गई या कोई भी उन्होंने कंप्लेन आज तक नहीं किया। और पुलिस ने जो है अननोन बॉडी अज्ञात शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम 15 जुलाई 2001 को कराया था। आज क्या सुनवाई? आज जो है धारा 227 के तहत सरफराज उर्फ मुन्नी अभियुक्त की तरफ से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर जो है बहस की गई है और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है 6/12 जो है एप्लीकेशन पर जो है आदेश के लिए तारीख नियत की गई है।